स्वागत है आप सभी का एग्जैक्ट वी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि पिछले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे आपको, सारे तरह के नंबर्स के बारे में बताए गए थे और सारा नंबर में हम लोग डेफिनेशन देखें, उसका एग्जांपल देखें। आज उस पर कुछ क्वेश्चन जो कि आपको प्रीवियस ईयर में आए हैं वो करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन वन आपके बोर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन वन है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछ रहा है। यहाँ प्राकृतिक का मतलब इंग्लिश वालों के लिए ये आपका नेचुरल नंबर के बारे में पूछ रहा है, नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर के बारे में कौन सा कथन सही है, ये वाला बात। अच्छा सर, इस कथन सत्य नहीं है, इस बात को मार्क कीजिएगा। हर बार ये सीटेट के क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता है सही और गलत पढ़ने में। तो आप क्वेश्चन को बढ़िया से पहले पढ़िएगा कि पूछ क्या रहा है, सही या गलत। तो यहाँ पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला लिखा है स्टेटमेंट कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब है आपका फैक्टर। तो पूछ रहा है क्या एक सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। तो ये बात तो क्या है, ये बात सही है, एक सभी संख्या को भाग देता है, सही बात है। दूसरा करते हैं, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण भाजक होता है, सही बात है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 6 ले लें तो 6 का गुणनखंड अगर हम देखें तो 1, 2, 3 और 6। तो ये एक से भी विभाजित है, 6 एक से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी विभाजित है। तो ये 6 है, ये सारे गुणनखंडों से ये विभाजित है। तो ये बात भी आपका क्या है, ये बात भी आपका सही बोल रहा है। अब यहाँ पे सी नंबर देखते हैं, किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। यानी बोलना है किसी दी गई संख्या गुणनखंडों, चाहे आप करें या और कोई करे या कितना भी आदमी इसको कर ले, तो इसका गुणनखंड क्या सीमित होगा कि नहीं होगा। तो हाँ होगा, ये वाला भी बात अपना सही है। डी क्या पूछा, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये नोट्स में लिखाया गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आपको मेरे नोट्स में पूरा पूरा मिलेगा। नोट में करके लिखाए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है, बड़ी। तो ये वाला बात आपका गलत है और यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी ही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सारा बात आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और आप इसको देखेंगे, आपको पूरा पूरा बात समझ में आ जाएगा। आप नोट्स एक बार उल्टा के देखिएगा, उसमें सारा चीज दिया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपके नंबर सिस्टम से है, जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उसी से आया हुआ है। क्या है ये, सीटेट फरवरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको हम बार बार बता रहे हैं कि वहाँ पे आपको डिस्टर्ब होगा और क्वेश्चन पढ़ने में वहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे कभी लिख देता है सही है, कभी लिख देता है सही नहीं है। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चन तो आप जानते रहते हैं, आपके सॉल्यूशन पता रहता है, लेकिन कोई कभी कभी यहाँ आप गलत पढ़ देते हैं, उस वजह से टिक हो जाता है। और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है और ये हो जाता है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सेट सॉल्व करेंगे, तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन टू है आज का, ये 2015 फरवरी में आया हुआ है। क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब ये आपसे प्राइम नंबर पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, प्राइम नंबर पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं को क्या हर बार जोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या आएगा। तो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम एग्जाम्पल छोटा छोटा चूज करेंगे। तो 2 और 3 मेरा एक प्राइम नंबर है, तो इसको जोड़े तो 5, हाँ तो ये बोल रहा है अभाज्य आ गया, ठीक बात है। अब हम एक बार 3 और 5 को जोड़ के देखते तो ये 8 आ गया, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आगे चलते, अगर हम 3 को 7 के साथ जोड़ें, क्योंकि ये भी प्राइम है और ये भी आपका प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो ये भी यहाँ 10 आ रहा है, तो ये भी बात सही नहीं है। यानी कोई केस में तो ठीक बात है, कोई केस में नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम लोग हर केस में ये बात बोल ही
नहीं सकते हैं, इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत है। समझ गए होंगे आप लोग, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ऑप्शन टू देखने का कोशिश करते हैं। ऑप्शन टू में क्या बोला गया है, ऑप्शन टू में आपको बताया गया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन टू में सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है। ये बात तो गलत है, नोट्स में ये बात साफ साफ लिखा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है आपकी। अभी हम थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे, सेम क्वेश्चन आया था वहां पे भी, उसमें नंबर फोर्थ ऑप्शन जो था आपका, नंबर फोर्थ ऑप्शन जो था आपका, यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या है, दो है। सेम बात को यहाँ पे 2015 में भी पूछा गया है, लेकिन इसको उल्टा एक एक लिखा गया, जो कि ये गलत बात है। अब आगे चलते हैं, नंबर सी, एक भाज्य संख्या विषम संख्या होती है। सबसे पहले भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या मतलब हम बताए थे कंपोजिट नंबर, और हम इसको इस तरह बताए थे कि कंपोजिट नंबर को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कम से कम तीन और उससे ज्यादा कितना भी, कम से कम तीन और उससे ज्यादा कितना भी। तो ऐसा कोई भी संख्या विषम संख्या हो सकता है क्या, तो हम एग्जांपल देखते हैं, क्या छह विषम है, नहीं। तो छह के बाद चलते हैं सात, सात तो प्राइम नंबर, आठ और आपका नौ, तो नौ देखिए, नौ एक से भी डिविजिबल है, तीन से भी भाग लग रहा है और आपका नौ से भी भाग लग रहा है, तो ये एक विषम संख्या और ये एक भाज्य संख्या भी है, तो ये बात आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही आ रहा है। फिर भी ऑप्शन डी एक बार देखते, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो बात गलत है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है, दो, ये बात भी हम नोट्स में लिखा चुके हैं कि एकमात्र दो, एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन आया आपका सीटेट 2021 दिसंबर में, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है, ये बात तो अभी हम लोग देख लिए कि ये बात गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, ये बात आपका सही है, अभी हम लोग थोड़ा देखे हैं, तो एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाज्य संख्या मतलब आपका कंपोजिट नंबर को बोला गया, और अभाज्य संख्या मतलब ये आपका प्राइम नंबर को बोला गया है, ये आपका प्राइम नंबर को बोला गया है, ठीक है। अब सी क्या है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सही बात है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ये तो अभी हम जानते हैं, क्योंकि अब जितना भी अभाज्य संख्या आएगा वो कोई भी सम संख्या नहीं होगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये इन सभी पर पूरा पूरा टॉपिक किया है। डी ऑप्शन चलते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है, वापस से वही चीज है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा सही हो गया, बी और सी, देखिए यहाँ पे बी और सी किस ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू। तो आपको ये ध्यान से करना है, और ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है, आप जितना इसको पढ़ेंगे इससे वर्ड प्रॉब्लम के टाइप का आपको आएगा, और आपको याद होगा तभी आप कर सकते हैं, नहीं होगा तो आपसे नहीं बनने वाला है, मिस्टेक हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे विभाज्यता के नियम का। तो विभाज्यता के नियम हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहला रूल पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम में, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाज्यता का नियम, हिंदी में इसको बोलेंगे विभाज्यता का नियम। आप लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूरा प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप लोग को कोई दिक्कत होता है कहीं पर भी किसी भी चीज में, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 6299 6299 59 1960, इस पे आप
व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे फ्री जूम क्लास होगा वीकेंड में आपको, उसमें आपको मैथ्स का बहुत सारा चीज़ बताया जाएगा और जो चीज़ यहाँ पे जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कम हो पा रहा है वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपका प्रैक्टिस। तो हम लोग आगे बात करेंगे डिविजिबिलिटी का। इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले दो का विभाज्यता का नियम, उसके बाद पढ़ेंगे चार का, उसके बाद पढ़ेंगे आठ का, उसके बाद पढ़ेंगे तीन का, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग तीन का, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नौ का, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पांच का, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दस का, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे छह का। सॉरी छह का नहीं, पहले ग्यारह का पढ़ेंगे, पहले ग्यारह का पढ़ेंगे, फिर नाइन में सिक्स का पढ़ेंगे, फिर इसी तरह अब कंपोजिट नंबर का आगे चर्चा करेंगे। जैसे सिक्स एक आपका क्या है, कंपोजिट भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सिक्स है आपका और एग्जाम में आपका पूछा जाता है 24 से, फिर 88 से, फिर 72 से, तो ये सब 88 से, 72 से, ये सब आपको पूछा जाता है, तो इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं विभाज्यता का नियम, हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। जैसे हम लोग एक एक करके सारा विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे आपका हर ईयर में सवाल आता है, आपको इसको देखना है कि कैसे कैसे हम किसी भी संख्या से किसी भी नंबर को विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दो से विभाज्यता का नियम। तो सबसे फर्स्ट है आपका दो से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, जब किसी संख्या को दो से विभाजित करते हैं तो उसको कैसे पकड़ सकते हैं कि हम उसको दो से वो डिविजिबल होगा बिना भाग दिए। तो हम क्या देखेंगे, अगर किसी संख्या का अंतिम अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 रहे, तो अगर किसी संख्या का अंतिम अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 रहे, तो वो संख्या आपका दो से पूरी पूरी तरह विभाजित होती है। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो एक एग्जांपल देखते हैं। ये दो एग्जांपल देखते हैं, यहां पे देखिए आपका इस संख्या का पहले वाले संख्या का लास्ट अक्षर क्या है, 6। 6 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो यहाँ 3 बार में 6 आ जाता है और ये यहाँ आपका शेषफल 0 बचता है। जब भी कभी शेषफल आपका 0 बचे, इसका मतलब वो संख्या पूरी पूरी तरह 2 से विभाज्य है। यहाँ पर अगर सेकेंड वाला एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल में देखें, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 7। 7 को 2 से भाग देंगे तो 2 से 3 बार में 6 चला जाएगा और आपका 1 बचेगा। यहाँ 1 जो बचा, यहाँ पर शेषफल आपका 0 नहीं है, यहाँ पर शेषफल आपका 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये संख्या आपका 2 से विभाजित नहीं है और ये वाला संख्या आपका 2 से विभाजित है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, चार से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, अगर किसी संख्या का अंतिम दो अंक
किसी संख्या का अंतिम दो अंक दो अंक चार से विभाजित हो। अंतिम दो अंक चार से विभाजित हो तो वह संख्या चार से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए इसको एक बार इंग्लिश में लिखते हैं, क्या लिखेंगे? लास्ट टू डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई टू। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर एग्जांपल वन ले लेते हैं। और एग्जांपल टू ले लेते हैं। दो एग्जांपल लिए हैं, दोनों में हम देखते हैं कौन सा। तो लास्ट दो डिजिट ये दोनों। तो उदाहरण वन में हम चार से भाग देंगे 13 को, तो चार से भाग देंगे तो चार किया होता है आपका 12, यहां बच जाता है एक। तो यहां पर देखिए फिर से शेष आपका क्या आ गया, शेष आपका जीरो नहीं आया। और जब शेष जीरो नहीं आया इसका मतलब ये संख्या चार से विभाजित नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं अंतिम का दो अंक आपका है 76, अंतिम का दो अंक आपका है 76। 76 को जब हम चार से भाग देते हैं, 76 को जब हम चार से भाग देते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका ये 19 बार में आपका टोटल 36 आपका कट जाता है और यहाँ पे रिमाइंडर आपका जीरो बचता है। इसका मतलब है कि ये वाला संख्या आपका चार से डिविजिबल है, चार से विभाजित है। ऊपर वाला संख्या आपका चार से विभाजित नहीं था। तो चार से विभाजित होने का क्या देखेंगे, लास्ट का दो अक्षर किसी भी दी गई संख्या में लास्ट का दो अक्षर आपका चार से विभाजित होना जरूरी है, तभी वो संख्या चार से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं आठ से विभाजिता का नियम। क्या देखेंगे, आठ से विभाजिता का नियम। इसमें क्या डेफिनेशन है, इसमें परिभाषा है, अगर किसी दी गई संख्या का अंतिम का तीन अक्षर, अगर किसी दी गई संख्या का अंतिम का तीन अक्षर अगर आपका 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाज्य हो रहा है, तो वो संख्या पूरा का पूरा 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अंतिम अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो लिखेंगे लास्ट थ्री डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय एट। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो उदाहरण एक में देखते हैं आपका यहाँ पे आपके पास देखिए दो उदाहरण इसमें भी लिया गया है। तो अंतिम का तीन अक्षर कौन सा हुआ, यहाँ पे 412। अगर हम 412 को अगर हम 8 से भाग दें 412 को, तो हम देखते हैं 8 पंचे होता है 40, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 2 8 का 8 आया आपका 4 यहाँ पे बच गया। इसका मतलब ये वाला शेषफल आपका फिर से क्या है, जीरो नहीं है। जब शेषफल आपका जीरो नहीं होगा इसका मतलब ये संख्या 8 से
विभाजित नहीं होगी। अब सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे 544 है, अगर हम इसको करें यहाँ पे, अगर हम 8 से भाग दें 544 को, तो हम देखते हैं क्या ये भाग लगेगी या नहीं लगेगी। तो हम जानते हैं 8 छके होता है 48, 8 छके होता है 48, यहां घटाएंगे तो 6 बचेगा और यहां 4 और ये 64, तो यहां घटाएं तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, यहां पर आपका देखें यहां पे आपका शेषफल आ गया 0। इसका मतलब ये वाला पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। तो यहां पर हम लोग देखें 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम और 8 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग आगे बात करेंगे और हम लोग देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। हम लोग देखेंगे अब 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम और आपका 9 से विभाज्यता का नियम दोनों लगभग लगभग समान है। कैसे? 3 से विभाज्यता में जो भी संख्या, जितनी भी संख्या आपको दी गई है, सबको जोड़, सबके अक्षर को जोड़ना है, दी गई संख्या के सभी अक्षरों को जोड़ना है और जोड़ के देखना है कि वो 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो एग्जाम्पल, इसमें सीधा एग्जाम्पल पे बात करते हैं अगर हम, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल ये लिए। अब इसमें हम सभी संख्या को जोड़ेंगे, सभी संख्या को अगर हम जोड़ें, जोड़ के देखें, अगर यहां पर देखें 4 2 6 3 9 और प्लस 9 कितना हुआ 18, ये 18 आपका 3 से विभाजित है और यहाँ पे आपका जो भाग शेषफल होगा वो 0 आएगा। 18 आपका क्या है, 3 से पूरी पूरी तरह विभाजित है और जब करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब ये पूरा संख्या आपका 3 से विभाजित है। एक और एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें, एक और एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें, अगर हम ये संख्या को देखें, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो हम देखते हैं 9 2 11 1 12 12 7 19 19 और 6 25 25 और 1 26 26 2 28 28 और 3 31। एक बार फिर से देख लेते हैं, 3 2 5 1 6 6 12 12 7 19 और 1 20 और 20 2 22 और 22 और 9 31। तो ये संख्या का पूरा जोड़ 31 है। अगर हम इसको 3 से भाग देंगे तो ये पूरी पूरी नहीं कटेगी, इसका मतलब ये संख्या आपका 3 से विभाजित नहीं है। सेम इसी तरह का 9 से विभाज्यता का नियम है आपका नंबर 5 में, 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का में भी वही बात करेंगे। अगर दी गई संख्या, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो ये पूरा संख्या आपका 9 से विभाजित होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। जैसे एग्जांपल का बात करेंगे 29034, ये कोई आपका एक एग्जांपल है। अब हम इसमें बात करते हैं क्या ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सबको जोड़िए, 9 2 11 3 14 4 कितना हुआ 18। क्या 18 9 से विभाजित है? हाँ, 18 9 से विभाजित है, पूरी पूरी तरह कटती है और यहाँ पे शेषफल क्या आएगा 0। इसका मतलब ये संख्या क्या है आपका 9 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या आपका 9 से विभाज्य है। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं, देखिए अब इसको करते हैं क्या ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो हम देखते हैं इसमें 3 2 5 7 12 12 9 21 21 25 25 8 33 33 3 36 और 2 38। तो इसका पूरा सम 38 हो गया और 38 आपका 9 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये भी संख्या आपका 9 से विभाजित
नहीं होगा। तो हम लोग देख लिए यहाँ तक 9 से विभाज्यता का नियम। तो हम लोग अभी तक पढ़े 2, 4, 8, 3 और 9, इतना विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। पांच से विभाज्यता का नियम देखिए इसमें क्या करना है। पांच से विभाज्यता का नियम में आपको क्या करना है, किसी संख्या का अंतिम अंक इसमें किसी संख्या का अंतिम अंक अंतिम अंक या तो जीरो हो या फिर पांच हो। किसी संख्या का अंतिम अंक या जीरो हो या पांच हो तो वो संख्या पांच से विभाजित होती है। इसको इंग्लिश में लिखे तो क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी 0 और 5। एग्जांपल से समझते हैं इसको, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। अगर कोई दी गई संख्या यहां पर हम लोग दो संख्या ले लिए हैं, पहली संख्या अगर हम लोग बात करें तो पहली संख्या का अंतिम अक्षर क्या है, पांच। अगर अंतिम अक्षर यानी लास्ट डिजिट क्या है आपका, पांच है, इसका मतलब ये संख्या पांच से विभाजित है। और यहां पर दूसरे वाले एग्जांपल में क्या है आपका अंतिम अक्षर आठ है, इसका मतलब ये संख्या आपका पांच से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि अंतिम अक्षर या तो आपका दो होना चाहिए, अंतिम अक्षर आपका जीरो या तो पांच होना चाहिए, या तो जीरो या फिर पांच होना चाहिए। अगर जीरो और पांच होगा तभी संख्या पांच से विभाजित होगी, नहीं होगा तो संख्या पांच से विभाजित नहीं होगी। अब हम लोग अगले पे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। हम लोग देखेंगे इसमें डायरेक्ट एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लें 11 से विभाज्यता का नियम में, अगर हम एक एग्जांपल ले लें 7127362 और हम चेक करना चाहें कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप हमको करना कैसे है इसमें। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले अक्षर से एक छोड़ के दूसरे को पकड़ेंगे, पहला सात पकड़े, सात में एक को छोड़ दिए, फिर दो को पकड़े, तो एक एक गैप करके पकड़ना है, फिर सात को छोड़े, तीन को पकड़े, फिर छह को छोड़े, दो को पकड़े, क्लियर है। अब इसको जो पकड़े हैं इसको हम जोड़ेंगे, 7 + 2 + 3 + 2 एक साथ इसको, फिर बाद में हम जो बचा हुआ नंबर है उसको एक साथ जोड़ेंगे। तो यहां पर है आपका 1 + 7 + 6, अब दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 7 × 2 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, 14 - 7 = 6 = 13 और 1 = 14। तो यहां पे हम क्या किए, यहां पे हम लोग
सम संख्या, सम प्लेस पर जो संख्या था और विषम प्लेस पर जो संख्या था उसको हम पकड़े और दोनों का हम अंतर लें, दोनों का अंतर या जीरो आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से विभाजित हो, या तो जीरो आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए, मान लीजिए घटाने पे आपका 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए और इसी तरह का कोई नंबर आ जाता। तो अगर जीरो या फिर 11 से विभाजित होने वाला संख्या आ जाता दोनों का अंतर लेने पर, अंतर का मतलब है हमेशा बड़ा में से छोटा को घटा के देखना, अंतर का मतलब है हमेशा बड़ा में से छोटा को घटा के देखना है, तो अगर ऐसा आता है तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। आशा करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम इस पे और एक एग्जांपल का बात करें तो यहां पे देखिए एक संख्या और हम लेते हैं आपके लिए 794593 8, 794593 8, हम इसमें देखेंगे क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहां पे देखिए ध्यान से, हम लोग फिर से वही करेंगे, पहले को पकड़ेंगे, फिर तीसरे को पकड़ेंगे, फिर पांचवे को पकड़ेंगे, फिर सातवें को पकड़ेंगे, उसी तरह यहां पे 9 से 5 के पास या 5 6 3 पास सबको जोड़ेंगे, 7 4 11 11 9 20 और 8 28, तो पहले वाले संख्या का 28 आया और डिफरेंस को ऐसे दिखाएंगे। अब यहां पे देखिए 9 5 14 14 3 17, 28 में अगर 17 घटाएं तो आपका आंसर आया 11। तो यहां पे देखिए क्या बताए थे, जब कभी भी अंतर या तो जीरो आए या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या आए, या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या आए तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी, सॉरी 11 से विभाजित होगी, तो ये वाला संख्या भी आपका क्या है, ये वाला संख्या आपका 7 से सॉरी 11 से विभाजित होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आपको 11 से विभाज्यता का नियम पता चल गया होगा, 11 से विभाज्यता का नियम आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे और हम लोग देखते हैं भाज्य संख्याओं से विभाज्यता का नियम, जिसमें सबसे पहला है 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम देखिए, जब भी कभी आपके पास भाज्य संख्या आए तो आप इसको दो प्राइम नंबर में तोड़िए, आप कोशिश कीजिए कि प्राइम नंबर में ही टूटे, जैसे यहां पे आपका 6 है, 6 को आप तोड़ेंगे तो 2 × 3 ऐसा भी आ सकता है, ये 2 आपका अभाज्य संख्या और 3 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या। तो हम बात करेंगे वैसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो, साथ साथ 3 से विभाजित हो, वो संख्या आपका 6 से भी विभाजित होगा। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, अगर ये संख्या है तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम अक्षर कितना आ जाए, 0 2 4 6 8 आ जाए। अगर अंतिम अक्षर 0 2 4 6 8 आता है तो आपका वो संख्या 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो दी गई संख्या है उसमें सभी के अंकों का योग, कितना हो, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां जोड़ेंगे सबको, 7 6 13 13 2 15 15 3 18 18 5 23 23 और 2 25, तो यहां सम कितना है 25, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल का बात करते हैं,
अब हम इसको लेते हैं, ये संख्या 48372। अब हम देखते हैं क्या ये संख्या दो से विभाजित है और तीन से, दोनों से अगर विभाजित है तभी छह से विभाजित होगा। तो लास्ट का अक्षर क्या है? दो। तो ये दो से तो विभाजित है, अब हम देखते हैं तीन से विभाजित है कि नहीं। तो हम सारे संख्या को जोड़ते हैं, 8 4 12 12 3 15 15 7 22 और 22 2 24। अब यहाँ पे आया 24 और 24 तीन से विभाजित है, 24 तीन से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या तीन से विभाजित है, दो से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या छह से भी विभाज्य है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट चलें, छह के बाद अगर हम लोग चाहें हम लोग देखें तो 12 से विभाजित करने हो, अब देखिए 12 से विभाजित करने हो, कोई भी अगर आपको भाज्य संख्या मिले तो हमको उसको ठीक है, आपके पास 12 जो नंबर है, जो 12 आपके पास संख्या है, ये 12 आपका, 12 आपका दो प्राइम नंबर का गुना होगा, कौन कौन सा, एक तो 4 और एक 3, 4 गुना 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 12, यानी वैसी संख्या जो 4 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो वो 12 से भी विभाजित होगी। तो हम इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं, उदाहरण से आपको ज्यादा समझ में आएगा, उदाहरण करके देखते हैं। ये कोई एक एग्जाम्पल है, तो हम इसमें सबसे पहले तीन का विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। तो तीन से विभाज्यता का नियम आपको क्या बोलता है कि सभी संख्याओं का जोड़ क्या होना चाहिए, तीन से विभाजित होना चाहिए। तो तीन में देखते हैं 8 4 12 12 3 15 15 7 22 22 9 31 31 और दो कितना है आपका, आपका आया 33 और 33 तीन से विभाजित है, 33 तीन से विभाजित, तो ये संख्या तीन से विभाजित है। अब हम चार से विभाजित में क्या देखे थे, अंतिम का दो अक्षर, अंतिम का दो अंक क्या होना चाहिए, चार से विभाजित होना चाहिए। तो हम देखते हैं चार से विभाजित करते हैं, 92 को देखते हैं होता कि नहीं, 4 × 8 यहाँ एक बचा, 2 × 4 = 12। तो ये आपका ऐसा संख्या है जो 4 से भी विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या पूरा का पूरा 12 से भी विभाजित होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। इसी तरह आपसे पूछा जाता है, इसी तरह आपसे पूछा जाता है, अगर हम यहां पे देखें छह से हो गया 24 नहीं 12 से हो गया 24 88 72, ठीक है चलते हैं आगे। इसी तरह आपका 24 से अगर हम देखते हैं, 24 से विभाज्यता का नियम, तो यहां पे देखें चौबीस दो प्राइम संख्या का गुणनफल होता है, एक तो आपका 3 होता है और एक आपका 8 होता है, 3 और 8 का गुणनफल होता है। तो जब भी हम किसी भाज्य संख्या को ब्रेक करेंगे तो उसको दो प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे और उसी से हम उसका चेक करेंगे कि हाँ वो विभाजित होगा या नहीं होगा। तो उदाहरण के लिए अगर हम एक उदाहरण लें, तो ये संख्या देखेंगे क्या ये संख्या 8 से विभाजित है और 3 से विभाजित है या नहीं। अगर दोनों से विभाजित है तो 24 से भी विभाजित होगी, अगर नहीं है तो 24 से विभाजित नहीं होगी। ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, पहले तीन से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, सभी संख्या दी गई संख्या में सभी अंकों का योग अगर क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 2 5 7 12 12 6 18 18 5 23 23 9 32 4 36 और 36 8
आपका आ गया 44। 44 ये 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 24 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या आपका 24 से विभाजित नहीं होगी। एक और उदाहरण अगर हम ले, अगर हम एक और उदाहरण ले, ये वाला उदाहरण देखते हैं हम, क्या ये संख्या 24 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले 3 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे, तो 4 1 5 5 10 2 12 7 19 19 5 24 24 36, तो 30 आपका 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगा। अब यहां देखिए ध्यान से, क्या ये 8 से विभाजित है कि नहीं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, अंक किसी दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक, किसी दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो, तो अंतिम 3 अंक कौन है, 756। तो यहां पर करके देखते हैं, 756, 756 को 8 से भाग देंगे तो 8 नवा होता है आपका 72 और आपका आता है 3 6 और 8 चौके 32। तो यहां भी आपका ये संख्या पूरी पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ, यानी ये संख्या 8 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये संख्या आपका 24 से भी विभाजित नहीं होगी। अब हम बात करते हैं 88 का, 72 का। तो एक तरफ हम लिखेंगे 88 और एक तरफ हम लिखेंगे 72। तो 88 देखिए, दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो एक 11 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा। 72 को अगर हम देखेंगे, अच्छा 88 से विभाज्यता का नियम क्या बनेगा, वैसी संख्या जो 11 से भी विभाजित हो, साथ साथ 8 से भी विभाजित हो, तभी वो संख्या 11 से भी विभाजित होगा। उसी तरह अगर हम 72 का बात करें, 72 का बात करें, अगर हम 72 का बात करें, तो वैसी संख्या जो 8 से भी विभाजित हो, साथ साथ 9 से भी विभाजित हो। अब यहां पर देखिए, यहाँ पे आप प्राइम नंबर नहीं बना सकते हैं, तो प्राइम नंबर नहीं बना सकते, यहाँ ऐसा दो कंपोजिट नंबर बनाएंगे, ऐसा दो नंबर बनाएंगे जिसका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। तो यहाँ 8 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, साथ में 9 का भी पता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको इस तरह से ब्रेक किए हैं। क्लियर बात है। तो वैसी संख्या जो 8 से भी विभाजित हो, 9 से भी विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, इसका मतलब वैसी संख्या 72 से भी विभाजित होगी। आशा करते हैं आपको विभाज्यता का नियम पूरा समझ में आया होगा। आप वीडियो को फिर से बार बार देखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत ज्यादा एग्जाम्पल करने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं सीटेट में इससे रिलेटेड और इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है अगर मैथ से रिलेटेड या मैथ्स में पेडागोजी से रिलेटेड, तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं 6299591960 पे। और इसमें क्या है, एवरी वीकेंड यानी एवरी वीकेंड का मतलब है यानी हर संडे को इसमें 8 से 9 PM पर आपका जूम फ्री क्लास होता है, जूम फ्री क्लास होता है। आपको अगर फ्री क्लास चाहिए तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है एक्जेडमी का, यहाँ मैसेज करेंगे आपको जूम फ्री क्लास करने के लिए। पहले मैसेज करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे क्लास कर सकते हैं। जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेरी है, आप यहाँ पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।